गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था मैं कूड़ेदान हूँ, उसका अभी आधा भाग हम आज पढ़ेंगे। तो अभी हमने कल क्या क्या पढ़ा था कि कूड़ेदान खुद के बारे में बता रहा था कि लोग मुझसे दूर दूर भागते हैं, मैं बड़ी काम की चीज़ हूँ, मैं बहुत रंगों में मिलता हूँ, मेरे कई आकार है, ये सब। पुराने जमाने में लोग कैसे उपयोग में मुझे लाते थे, ये सब हमने कल देखा। तो उसके आगे की कहानी हम आज देखेंगे। तो कूड़ेदान आज क्या बोल रहा है, जागो लोगों, मेरी कहानी सुनकर जागो। वो बोल रहा है मेरी कहानी सुनकर आप अब तो जग जाओ। संसार में चीजें बदलती रहती है, मतलब पुराने जमाने में जैसे बस वगैरह नहीं थी, अब तो है ना, वैसे बोल रहा है वो। संसार में चीजें बदलती रहती है, पहले फ्रिज नहीं था वैसे अभी है ना, ऐसे हर एक चीज बहुत विज्ञापन में जैसे जैसे बढ़ रहा है विज्ञापन, वैसे वैसे संसार में हर चीज बदल रही है। मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। वो कूड़ेदान बोल रहा है कि मुझमें भी परिवर्तन, मतलब मैं भी दिन ब दिन मुझमें परिवर्तन आ रहा है। अब मैंने अपने जुड़वा भाई को भी काम करना सिखा दिया है। वो क्या बोल रहा है, अब मैंने अपने जुड़वा भाई को भी काम करना सिखा दिया है। ऐसा क्यों बोल रहा है वो, तो ये कारण हम आगे देखते हैं। नीले कूड़ेदान मेरा जुड़वा भाई है और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। आपने देखा है ना, जब हमारे कॉलोनी में हमारे घर के सामने वो कचरे की गाड़ी आती है, वहाँ दो प्रकार के डिब्बे होते हैं, उसमें एक नीला वाला होता है एक हरा वाला। वो क्यों होता है पता है आपको, आपको तो आज हम यही जानेंगे कि वो दो कलर में क्यों आता है। वही कूड़ेदान बोल रहा है नीले कूड़ेदान मेरा जुड़वा भाई है और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। आप मेरे भाई का प्रयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हो है जो नष्ट नहीं होता। कूड़ेदान क्या बोल रहा है, हरा वाला कूड़ेदान क्या बोल रहा है, आप मेरे भाई का प्रयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता। नष्ट न होने वाला कूड़ा कौन सा होता है, किसी को पता है? तो आज हम यही देखेंगे, प्लास्टिक, ये नष्ट होता है क्या? नहीं ना। वैसे अब आगे बढ़ते, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। आपने कभी देखा है कि प्लास्टिक हमने फेंक दिया और खराब होने लगा है, लोहा कभी खराब होता है? नहीं ना, वो वैसे के वैसे ही रहते सालों साल। वो वैसे ये प्लास्टिक, लोहा आदि कचरा कहाँ डालना पड़ता है फिर? नीले, नीला वाला जो है उसमें। जबकि मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डाल के लिए कर सकते हैं। तो हरा वाला कूड़ादान क्या बोल रहा है, मतलब जो उसके खानी बता रहा है, वो बोल रहा है कि आप मेरा उपयोग नष्ट होने वाला कचरा जो होता है कूड़ा, वो डालने के लिए किया करो। तो उसमें कौन से आते हैं वो देखेंगे, जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि। अभी अगर हमने छिलके जो फल खाते हैं उसके छिलके निकलते, वो भी खाते क्या? नहीं ना, फिर वो अलग डब्बे में डालना। नहीं तो अगर सूखे जैसे प्लास्टिक वगैरह में डाल दिया तो क्या होगा, कुछ काम का नहीं, सब गंदा दिखता है, उसमें बदबू आती है, इसलिए दोनों कचरे अलग अलग डालने जरूरी है। ऐसा क्यों है पता है, अगर हमने गीला कचरा अलग से डाला तो उससे वो लोग खेती होती ना वहाँ उसका उपयोग करते हैं उसका, इसलिए वो अलग अलग। प्लास्टिक वगैरह की जो चीज़ें होती वो पिघलती नहीं है, वैसे की वैसी रहती है, वो अलग से उसका बनाया गया है। आपको एक बात बताऊँ,
जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। कूड़ेदान बोल रहा है कि आप अगर कचरे के डिब्बे में कचरा डालेंगे तो मुझे बहुत खुशी होती, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। कूड़ेदान बोल रहा है कि अगर आपने कचरा इधर उधर डाल दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपना हम जहाँ पे रहते हैं वो गंदा दिखता है ना, इसलिए वो कूड़ेदान को पसंद नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं? वो बोल रहा है कि अगर आपने कूड़ेदान का उपयोग नहीं किया, कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डाला, तो बीमारियां फैलती है। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। कूड़ेदान क्या बोल रहा है, अगर आपने कूड़ा इधर उधर फेंक दिया तो उससे गंदगी फैलेगी। अगर हमने कूड़ा यहाँ वहाँ डाल दिया, कूड़ेदान में नहीं डाला, तो क्या होता है, जहाँ हम रहते हैं वो गंदा दिखता है, बीमारियाँ फैलती, वहाँ पे मच्छर आ जाते हैं, तो वो मच्छर काटने से बुखार आता है, इसलिए वो कूड़ेदान क्या बोल रहा है, इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पेचिश और डेंगू जैसे भयंकर रोग के फैलने का भय रहता है। अगर कूड़ा इधर उधर डाल दिया तो बहुत सारी बीमारियां फैलती है, जैसे कि हैजा। हैजा मतलब कॉलरा, उसे उल्टिया वगैरह होती है। पेशीज मतलब उसे जुलाब वगैरह होते हैं, जिसे हमें बहुत सारी बीमारियां होती। डेंगू जैसे डेंजरस रोगों के लिए फैलने के लिए भय रहता है। डेंगू कैसे होता है, जब कचरा अगर हमने हवा डाल दिया तो वहाँ पे मच्छर होते हैं, वो मच्छर हमें काटते हैं, फिर डेंगू जैसे भयंकर रोगों फैलने का भय रहता है। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है? अगर कूड़ेदान क्या बोल रहा है कि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत अनमोल है, मतलब अगर हम अच्छे खासे नहीं रहे, बीमार ही रहे तो हम कैसे दिखते हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई भी काम करने का मन नहीं होता, इसलिए वो बोल रहा है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। अगर हम बीमार रहे तो हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितने भी हम धनवान हो, फिर भी उसको किसी चीज में अच्छा नहीं लगता, ऐसा वो कूड़ेदान बोल रहा है। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता। अगर हम बीमार रहे तो कोई काम कर सकते हैं क्या? नहीं ना। वैसे ही उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। देखो, अब अगर हमें बुखार आ जाता है तो हम कैसे करते, छोटे बच्चों देखो रोते रहते, बड़े लोग भी चिड़चिड़े हर बात पे डांटते रहते। वैसे केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाते हैं। वो क्या बोल रहा है, अगर आप बीमार नहीं रहे तो हम कैसे अच्छे से खेल कूद पाते हैं, सब काम अच्छे से करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही। इसलिए कूड़ेदान क्या बोल रहा है, आप कूड़ेदान में ही कूड़ा डालिए, नहीं तो नुकसान हमारे ही, मतलब हम बीमार पड़ेंगे तो हमें तकलीफ होगी, इसलिए बोल रहा है नुकसान आपका ही होगा। जागो रे जागो, करो मेरा इस्तेमाल, फिर देखो मेरा कमाल, ऐसा डस्टबिन बोल रहा है। देखो, अगर हमने डस्टबिन में कचरा डाला तो कितना अच्छा दिखता है, पार्क देखो कितना अच्छा दिख रहा है। इसलिए आज से आप भी ध्यान में रखना कि कोई भी कचरा हो, आपने फ्रूट्स खाए होंगे तो उसके छिलके भी कूड़ेदान में डालना, वो भी कौन से कूड़ेदान में, हरे वाले कूड़ेदान में। इसे हमारा ये कूड़ेदान पार्ट था।